होना चाहिए। हमारा जो टारगेट चल रहा है और अगला अगला साल जो होगा इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा ग्राउंड लॉन्च में, उम्मीद है ऐसी। और ऊपर वाले का रहमो करम हुआ तो अगली साल मेरे ख्याल से 6 महीने नहीं जीतने वाले और काम होने वाला है अपना। चल रही है कहानी, बहुत अच्छी रेल चल रही है, बहुत अच्छी डाउनलाइन चल रही है, सभी काम बढ़िया चल रहे हैं। करम ऊपर वाले का जल्दी होगा और अगले साल फिक्स होगा एकदम। और सवाना सर जी को आप जो है साथ में लेके जाना है लखनऊ, क्योंकि हमारे पांडे सर जी के लिए उनको शेर पढ़वाना है जो है स्टेज पर, बड़ी स्टेज होगी, लगभग 60 लोगों का प्रोग्राम है, 60 लॉन्च लीडर्स का और स्टाइलिस्ट का। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ पर 100 लोग पहुँचेंगे पहुँचेंगे, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सुहाना जी एड्रेस कर रही है माइक ऑन, वेलकम। बिल्कुल सुहाना जी वेलकम, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, माइक आपका। पांडे जी के लिए तो मैं शेर पढ़ूंगी पढ़ूंगी सर, पर जो मुकाम जो हस्ती मिली है आपसे, मैं उनके लिए जरूर शेर पढ़ूंगी, और चाहे मुझे कितनी कितना ही वक्त लग जाए। और बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा मेरे सीनियर मुजाहिद सर और मेरे हम सफर के लिए। मैं ये चाहता हूँ सवाना जी, कि जो सेशन पहले दिन स्टार्ट हो तो आपके जो शेयर हैं जिस पर सबके नाम होंगे, जिनको आप चाहती हैं दिलो जान से, उनके सबके नाम होंगे, अप्लायंस के भी, एस्पिरेंट्स के भी, और आप जिनको जाना चाहते हैं जो है, और वो जो सेशन स्टार्ट होगा पहले दिन आपसे स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह सर बिल्कुल जैसे आप चाहेंगे वैसे आएंगे, मुकद्दर में उनका साया हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है, जिनकी वजह से आज मैं बोल पाती हूँ, हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं, वो कोई और नहीं, मेरी छाई बनके जो मेरे सर पे रहते हैं और जिनकी सरपरस्ती रहती है, वो कोई और नहीं, मेरे वालिद हैं। यकीनन मैं उनका नाम बुलंद आवाज में भी बताऊंगी, और उनकी देन है और खुदा का शुक्र है और उनकी नवाजिश है कि इतना प्यारा शोहर, इतना प्यारा स्टाफ, मेरी ये फैमिली, न्यू फैमिली टाइम्स का हर शख्स, और हर शख्स के लिए बस यही आवाज बहुत निकलती है कि असद तेरे बाजुओं में वो ताकत है, देख वो झांसी की रानी है तेरा, हम सफर बन के खड़े रहते हैं कि कोई सीधा तो कोई उल्टा चल के देखता है, पर मुकम्मल वही होता है जिसकी निगाहें सही होती हैं। और मेरे असद की निगाहें और दिल बहुत ही प्यारा है, जो हमेशा मरते दम तक मुकम्मल रहेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह सर आप जैसा कहेंगे और इंशाल्लाह मैं वैसे ही, और सबसे ज्यादा बहुत प्यारे से, बहुत से क्यूट से, मेरे सर शफीक सर के लिए तो बहुत कुछ खजाना है जो मैं उस वक्त लुटाऊंगी सबको, और मैं बताऊंगी आओ मिलो उस हस्ती से जिसने निखार दी आज हिंदुस्तान की। हम नहीं जानते किसी को, क्योंकि जो सरपरस्ती है मैन मेरी, वो मेरे शफीक सर हैं सिर्फ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सवाना, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शानदार।